हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक विद तनवीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर एच लुकअप क्या होता है। दोस्तों, एक्सेल के अंदर दो फार्मूले एच लुकअप और वी लुकअप बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जो कि कंपनियों के अंदर यूज किया जाता है। आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं। एच लुकअप और वी लुकअप का यूज एक प्रकार से एज ए फिल्टर समझिए, क्योंकि हमको आसानी से जितनी भी डेटा एंट्री हुई होती है हम आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एच लुकअप और वी लुकअप का यूज करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि इस वीडियो में हम एच लुकअप के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब हम एच लुकअप को पहले इस कुछ बेसिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप, हम सभी जानते हैं कि एक्सेल के अंदर जो भी हम एंट्री करते हैं वह सेल के अंदर होती है, लेकिन जितने भी जो सीट होती है वो सीट के अंदर रो और कॉलम होता है। तो रो और कॉलम को जो है, जैसे एच लुकअप फार्मूला जो है वह हमारा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजल्ट दिखाता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे और वर्टिकल का मतलब ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे खड़ा है तो ये हमारा वर्टिकल हो गया। तो दोस्तों, इसके लिए चले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे एच लुकअप फार्मूला का यूज करते हैं और हम रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ एंट्री की हुई है और एच लुकअप फार्मूला यहाँ पे पता चलता है कि मैंने एच लुकअप फार्मूला लगाया। एच लुकअप फार्मूले के अंतर्गत क्या क्या फार्मूले क्या क्या यूज करने हैं, फार्मूले के अंतर्गत क्या क्या यूज करने हैं, वो भी मैंने टाइप किया हुआ है। इसके अलावा एच लुकअप मैंने यहाँ दो तरीके से रिजल्ट निकाल के दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने रिजल्ट पे क्लिक किया यहाँ पर, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फार्मूला दिख रहा है कि क्या फार्मूला लगा हुआ है। वैसे ही सेम टू सेम मैं यहाँ पे लगा क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी रिजल्ट दिखा रहा है। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि फार्मूले यूज हम कैसे करेंगे। चलिए मैं दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको कर देते हैं डिलीट। इक्वल टू साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे LOKUP, कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब यह है कि लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे वह जो भी हमारी एंट्री कॉलम में है। कॉलम का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से जो कुछ भी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि हम चाहते हैं इंग्लिश में किसी का नंबर, तो हम इंग्लिश पे यहाँ क्लिक कर लेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ मांग रहा है टेबल एरे। टेबल एरे के लिए पूरा जो एंट्री हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स नंबर देखिए मुझे अनुराग का निकालना है। अनुराग है यहाँ पे चार नंबर, बट एक्सेल के नियम के अनुसार ये आ रही है इसकी एंट्री पांच नंबर पे, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे पांच, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन मिल रहा है ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे जीरो टाइप कर दूंगा ट्रू वैल्यू के लिए। कोष्टक बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये अनुराग का रिजल्ट इंग्लिश में 78 नंबर आया है और यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट शो कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे तरीके से हम बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया हुआ है। अब जो हम यहाँ से सेलेक्ट करते थे इंग्लिश और अनुराग को, हम यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, अब हम क्या काम करते हैं, इक्वल टू साइन लगाते हैं, फिर से टाइप करेंगे फार्मूला। पोस्टक लगाने के बाद अब ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, जो मैंने इंग्लिश वहां यहाँ से लिया था हम यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, डबल नोट कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद फिर मांग रहा है टेबल एरे। टेबल एरे के लिए फिर से हम यही पूरी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे एंट्री, फिर कामा लगाएंगे। अब मांग रहा है यहाँ से रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स नंबर ये हमारा अनुराग है पांच नंबर पे, हम यहाँ से पांच टाइप कर लेंगे और कामा जीरो। कोष्टक बंद करने के बाद इंटरप्रेस करेंगे। तो आप एक प्रकार से फिर से देखिए, यहाँ पे 78 नंबर यहाँ पर भी आया था और ये 78 नंबर यहाँ पर भी आया है। तो दोस्तों, आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा।